बहुत सही है गाइस। मैं डेफिनेटली एक चीज़ यहाँ पर गारंटी आपको दे सकता हूँ इस चीज़ की कि इसका जो इंजन है आपको यूनिकॉर्न जैसा फील नहीं होगा। अभी यहाँ पर ट्रैफिक है तो थोड़ा और आपको आइडिया आ जाएगा कि ये बाइक जो है थोड़ा और बस 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 निकलने दो भाई। थैंक यू थैंक यू। मैं थ्रोटल नहीं दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरा हाथ आप लोगों के सामने है और फिफ्थ गियर पे ही ये मोटरसाइकिल गाड़ी अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो आज हम लोग चलाने वाले हैं होंडा की ये ऑल न्यू SP160। और इस राइड के दौरान मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो बाइक है यूनिकॉर्न के कंपेयर में कैसी चलने में फील होती है, शादी के साथ इसकी जो क्वालिटी है, इसकी ब्रेकिंग की या फिर इसकी जो सस्पेंशन है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस राइड के दौरान मैं आपको बताऊंगा, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स रेस दिस वीडियो। तो ऑल राइट बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं भी इस मोटरसाइकिल को अभी फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, तो जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ऐसे समझ लेना पूरी ऑनेस्टी से सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बाइक को मैंने स्टार्ट कर लिया है और ये अभी फर्स्ट गियर पे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फुली डिजिटल कंसोल है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले चलते हैं मेन रोड पर, चलते हैं वहाँ पर देखते हैं भाई ये बाइक आखिर है कैसी, क्या कमाल किया है यहाँ पर होंडा वालों ने। अभी यहाँ पर गाइस मैं मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ पर यार बारिश का टाइम है, रेनी सीजन है, तो काफ़ी सोच समझ के सब बनाना पड़ता है। अभी कभी भी बारिश आ सकती है। ऑलराइट, बाकी गाइस अगर क्वालिटी में या कुछ फ़र्क आया होगा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोस है राइड क्वालिटी की या राइड राइड रिव्यू वाली वो नॉर्मली बहुत कम आपने देखी होगी हमारे चैनल पर। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी बाइक्स की जो राइड रिव्यू है वो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँ। बाकी इस बाइक के बारे में अगर मैं फर्स्ट इम्प्रेशन दूँ आपको, यस हाँ, तो गाइस जो इनिशियल पंच मिलना बोलते हैं ना एक होंडा की किसी बाइक में, हॉर्नेट में आपने जिस तरह से देखा होगा उस तरह का जो पंच है आपको इस मोटरसाइकिल में देखने मिलेगा एज कम्पेयर टू यूनिकॉर्न के, तो उससे ज़्यादा ही मेरे को इनिशियल पावर इस मोटरसाइकिल में फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब इसके जो फेयरिंग वगैरह है, जो लुक्स वगैरह है, उसमें एरोडायनामिक बहुत अच्छे से काम कर रहा है उसके कारण, या फिर कुछ और रीज़न है आई डोंट नो, लेकिन जो पंच है, जो इनिशियल पावर होना चाहिए वो मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है यूनिकॉर्न के कंपेयर में। लग नहीं रहा है मेरे को कि मैं SP160 चला रहा हूँ। अरे यार ट्रैफिक तो यहाँ पर भाई, चलो कोई नहीं, ट्रैफिक में भी देख लेंगे कि बाइक चलने में कैसी है। मनोरिंग वगैरह के बारे में हम लोग कंफर्ट के बारे में यहीं पे बात कर लेते हैं, अभी खड़े खड़े क्या करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको बता दूँ, देखो फुली डिजिटल कंसोल आपको यहाँ पर देखने मिलता है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि गियर पोजिशन इंडिकेटर, यानी कि आपकी जो बाइक है कौन से गियर में है, उसी के साथ साथ स्पीड आपको शो करेगा, टाइम भी शो कर देगा यहाँ पर, एंड ट्रिप वगैरह जो है सेट करना है तो यहाँ पर सेट का बटन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग सेट वगैरह कर पाओगे। एंड उसी के साथ साथ उसके बाजू में अगर आप लोग देखोगे तो एक रियल माइलेज आपको दिख रहा होगा, तो यानी कि ये जो बाइक है आपको शो करेगी कि आपका जो आपकी ये जो बाइक है कितना माइलेज आपको दे रही है, अभी प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो फ्यूल गेज आपको शो होगा, उसके ऊपर आपको टैकोमीटर दिया गया यानी कि RPM वगैरह शो किया जाएगा, ये जो बाइक है कितने RPM पर अभी रेव कर रही है। बाकी ABS की जो लाइट है वो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये जो बाइक है आपको सिंगल चैनल ABS के साथ ऑफर की जा रही है। तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी होंडा वालों ने कंजूसी नहीं की है यहाँ पर। और स्पेशली मुझे इसकी ना बिल्ड क्वालिटी एंड जो फिट एंड फिनिशिंग है वो एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न के स्पेशली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी है। एंड जो फेयरिंग वगैरह की क्वालिटी है वो भी सही है, कहीं से भी कोई नॉइस वगैरह क्रिएट नहीं हो रही है अभी तक, तो जब तक मैंने इसको चला लिया है। बाकी हैंडल बार के बारे में, कुछ कंफर्ट के बारे में बताऊं तो देखो सिंगल बार वाला आपको हैंडल बार ऑफर किया जा रहा है। तो अभी सिटी में देखो ट्रैफिक में चला रहा हूं लेकिन किसी भी तरह की कोई भी मेरे को तकलीफ तो हो रही नहीं है टर्न वगैरह लेने में, या फिर ऐसे छोटे मोटे ट्रैफिक में आपको मनोवरिंग वगैरह जो है करना होता है तो उसके दौरान भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हैंडल बार यार काफ़ी लाइट वेट फील हो रहा है मुझे, उसका ही जो फायदा है वो आपको फील होगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बाइक में यार पावर अच्छा है गाइस, 13 HP के आसपास आपको इसमें पावर डिलीवर किया जा रहा है करीबन 7500 RPM पर।
और डेफिनेटली वो आपको यहाँ पर इस मोटरसाइकिल में फील भी होगा कि पावर के मामले में ये मोटरसाइकिल कहीं से भी पीछे नहीं है। एंड उसी के साथ जो टॉर्क है वो भी बहुत अच्छा है, वही वही एक रीज़न है जिसके कारण जो इनिशियल इनिशियल पंच है वो हमें बेटर देखने मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो है इसमें करीबन आपको 14.5 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क ऑफर किया जा रहा है। तो जो पुलिंग कैपेसिटी है इस मोटरसाइकिल की वो आपको डेफिनेटली फील होने वाली है। अभी थोड़ा यहाँ पर रेव करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के रास्तों में गाइस सस्पेंशन बहुत अच्छे तरह से टेस्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही पता चल जाता है कि बाइक के जो सस्पेंशन है, जो ब्रेकिंग है वो कैसी है। तो अगर मैं बताऊं तो देखो जो सस्पेंशन है स्पेशली आगे वाला वो हार्डर साइड रखा गया है, लेकिन जो शॉक है वो आपके हाथों में या फिर कहीं पर भी फील नहीं होगा। सस्पेंशन मुझे बहुत सही लग रहे हैं। पहले मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि यार थोड़ा जो इनका डायमीटर है वो बहुत पतला रखा गया है, तो जिसके कारण हो सकता है ये जो सस्पेंशन है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें ना निकाल के दें, लेकिन आई थिंक बहुत सही काम किया है यहाँ पर, क्योंकि हार्डर होने के बावजूद भी जो शॉक वगैरह है वो मेरे हाथों तक भी नहीं आ रहे। हाँ बहुत बढ़िया गाइस। पीछे का सस्पेंशन जो है वो भी आपको सेम एज अभी, पिलियन तो कोई बैठा हुआ नहीं है तो इतना मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ वो भी थोड़ा हार्डर साइड रखा गया है। उसको तो शायद आई थिंक आप लोग एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग उसको उसका जो लेवल है वो अप कर लेना, तो उसके कारण जो सॉफ्टनेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। बाकी उसी के बाद अगर कुछ और इस बाइक के बारे में बताऊँ तो देखो यार मनोरिंग वगैरह में मुझे बहुत सही लग रही है बाइक। एज सच देखो अभी इतनी ट्रैफिक में भी मैं सिटी में चला रहा था इस मोटरसाइकिल को, अभी थोड़ा यहाँ पर रास्ता अच्छा है तो यहाँ पर भी मुझे इतनी कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है इस मोटरसाइकिल के साथ। और जो विजिबिलिटी है इसके कंसोल की बहुत सही है। डिजिटल होने का गाइस फायदा अपने आप में आपको मिलेगा ही डेफिनेटली, क्योंकि सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके कंसोल में शो होनी चाहिए वो सभी आपको यहाँ पर दिख रही है। मैं इजीली रीड कर पा रहा हूँ, अभी दिन का टाइम है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सनलाइट के वजह से या पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत हो रही हो, ऐसा सच एज सच कोई दिक्कत तो मुझे नहीं फील हुई है अभी तक। बाकी गियर पोजिशन इंडिकेटर होने का भी फ़ायदा मिल रहा है, पता चल रहा है भाई बाइक अपनी कौन से गियर में है। अभी यहाँ से मैं आई थिंक घुमा लेता हूँ तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा इसका जो हैंडल बार है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। गाइस देखो अगर आपने होंडा के बाकी प्रोडक्ट्स चलाए जैसे कि शाइन, यूनिकॉर्न या हॉर्नेट वगैरह, तो वैसा ही मिलता जुलता हैंडल बार आपको यहाँ पर दिया गया है, तो कुछ अलग यहाँ पर नहीं किया है। तो जो कंफर्ट अगर आपको वो बाइक में मिली होगी तो डेफिनेटली इस बाइक में भी आपको वही सब कम्फर्टनेस मिलेगी। चलाने के मामले में भी अगर मैं गाइस बात करूँ तो देखो इंजिन 160 वाला ही है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया इनिशियल जो पंच है वो मुझे कुछ बेटर फील हो रहा है इस मोटरसाइकिल में। अब हो सकता है वो शायद इस मोटरसाइकिल के जो पावर टू वेट रेशियो है उसके कारण, या जो एरोडायनामिक्स इस मोटरसाइकिल की है वो शायद थोड़ी बेटर होगी, क्योंकि उसमें तो ऐसा कुछ डिज़ाइन तो है नहीं, बेसिक सिंपल सा डिज़ाइन आपको यूनिकॉर्न में मिलता है, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको डेफिनेटली ज़रूर फील होगी। बाकी ब्रेकिंग वगैरह के इस बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं ब्रेक मार के आपको दिखा देता हूँ, आगे आपको ABS एंड डिस्क ब्रेक मिल रही है तो बहुत सही है। मैं यहाँ पर एक बार और टेस्ट कर लेता हूँ। यस गाइस ब्रेकिंग बहुत अच्छी मिल रही है, कॉन्फिडेंट फील होगा आपको जब भी आप ब्रेक प्रेस करोगे। नॉर्मली इस तरह की बाइक्स में अगर आप ब्रेक प्रेस करोगे इतनी हाई स्पीड में या नॉर्मल भी स्पीड है, अगर 60-50 के आसपास भी हो, सिटी में भी चला रहे हो, तो एक अलग सी घबराहट महसूस होती है कि यार बाइक गिर नहीं जाएगी, स्लिप वगैरह नहीं हो जाएगी। तो एज सच आपको दिक्कत डेफिनेटली SP160 के साथ नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने देखो बहुत कॉन्फिडेंट मेरे को प्रोवाइड कर रही है इसकी ब्रेकिंग, स्पेशली फ्रंट की। और पीछे की ब्रेक भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अप्लाई करके। यस पीछे की भी ब्रेकिंग गाइस सही है, लेकिन इतना इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं करती है पीछे वाली ब्रेक, क्योंकि ये जो वेरियंट मैं चला रहा हूँ ये ड्रम वेरियंट है। इसके अलावा इसमें भी डिस्क, डबल डिस्क वाला वेरियंट भी आता है जिसमें फ्रंट एंड पीछे आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलेगी, लेकिन बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS ही मिलने वाला है। किसी भी वेरिएंट में अगर आप लोग जाओगे तो सिंगल चैनल ABS के साथ ही ये मोटरसाइकिल आपको देखने मिलेगी, तो इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना। बाकी स्पेशली फ्रंट ब्रेक जो है वो मुझे बहुत बेटर लगी है। यहाँ पर थोड़ा गाड़ी को पुल कर लेते हैं।
ये इस तरह के रोड पे पीछे का जो टायर है ना गाइस, वो रेडियल वाले टायर आपको देखने मिलते हैं, MRF के जेपर वाले, जिनका सेक्शन आई थिंक 130x70 सेक्शन का है। काफी चौड़ा टायर है, तो कॉर्नरिंग वगैरह में एंड जो ग्रिपिंग वगैरह है बहुत ही बेहतरीन आपको मिलेगी। अभी मैंने यहाँ पर बाइक को चलाया, आपने जैसे देखा होगा काफी जो एरिया था वो काफी कर्वी था। उस दौरान मुझे ऐसी कोई सी प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसा घबराहट नहीं हुई कि शायद मेरी बाइक जो है वो स्लिप हो सकती है वगैरह, क्योंकि पीछे का टायर जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा चौड़ा है, जिस तरह आपको हॉर्नेट में ऑफर किया जाता था उससे थोड़ा सा आई थिंक मेरे को लगता है सेक्शन कम है, 10 mm के आसपास, या हो सकता है सेम ही टायर है, अभी तक मैंने वो देखा नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर मैं बता दूंगा। हैंडल बार जैसे मैंने आपको बताया, जो इसका रेडियस है, टर्निंग रेडियस जो है जैसे हम लोग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, तो वो सही है। मुझे नहीं लगता है इससे अच्छा इस तरह की कैटेगरी की बाइक्स में आपको इतना अच्छा टर्निंग रेडियस देखने मिलेगा। बहुत सही है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में ही कि सिटी वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मनोवरिंग वगैरह एंड इस मोटरसाइकिल को राइड कर पाओगे। इस दौरान आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लॉन्ग राइड अगर मैं बोलूँ, आराम से आप लोग करीबन 80 से 100 किलोमीटर के आसपास ही उस मोटरसाइकिल को इजीली चला सकते हो। बाकी जो क्वालिटी है गाइस, जैसे कि मैंने बताया, फिट एंड फिनिशिंग वो सही है उस मोटरसाइकिल की। अब तक तो मुझे फेयरिंग से या कहीं से भी कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं हुए और ना ही कोई नॉइस किसी तरह की मुझे सुनाई दी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर होंडा वालों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि यूनिकॉर्न का जो मार्केट है वो अब शायद खतरे में होगा, क्योंकि यार सेम इंजन के साथ ये मोटरसाइकिल दोनों देखने मिलती है और यूनिकॉर्न के जो लुक से काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं, तो क्यों लोग यार आउटडेटेड वाली डिज़ाइन ही लेना प्रीफर करेंगे, क्योंकि इंजन वही है, लोगों को यूनिकॉर्न का मोस्टली इंजन पसंद आता है, दैट्स वाई वो लोग वो बाइक को लेना पसंद करते हैं और उसी के कारण वो बाइक आज तक चली आ रही है। लेकिन यहाँ पर होंडा वालों ने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया है कि यूथ को टारगेट करते हुए उन्होंने उसी सेम इंजन के साथ SP160 को ऑफर कर दिया है, जिसमें जो लुक्स है काफ़ी स्पोर्टी फील हो रहे हैं, साथ ही के साथ जो क्वालिटी है, जो प्रीमियमनेस है, जैसे कि ये जो फीचर है फुली डिजिटल कंसोल, ये आपको ऑफर कर दिया है, और जो फेयरिंग वगैरह है काफ़ी स्पोर्टी बनाने की कोशिश की गई है, जिसका कारण ये जो बाइक है डेफिनेटली मुझे लगता है यूथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। जो लोग भी यूनिकॉर्न को लेना पसंद करते हैं वो डेफिनेटली SP160 के तरफ ही शिफ्ट होने वाले हैं। तो थोड़ा यहाँ पर रेव कर लेते हैं। बहुत सही है, इसमें पावर ये बाइक निकाल के दे रही है, बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पर होंडा वालों ने किया है। और बाकी जो क्वालिटी वगैरह है, जो फिट एंड फिनिशिंग है, जो मनोवरिंग वगैरह हैंडल बार के तरफ से है, बाकी जो सेफ्टी वगैरह है, उन सभी का ध्यान यहाँ पर होंडा वालों की तरफ से रखा गया है। जो पोर्शर है वो ना ज़्यादा एग्रेसिव है और ना ही ज़्यादा आपको ऐसा लीन वगैरह होना पड़ता है, काफ़ी इजी तरीके से आप लोग इस मोटरसाइकिल को चला सकते हो। अभी हम लोग इस मोटरसाइकिल के इंजन की रिफाइनमेंट थोड़ी सी चेक कर लेते हैं, यानी कि कितने गियर तक ये बाइक जो है बिना थ्रोटल दिए हुए चल सकती है, तो एक छोटा सा आइडिया हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो रिफाइनमेंट है वो किस तरह की है। तो मैं पहले डायरेक्टली 6th/5th गियर पे डाल देता हूँ, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कितने स्पीड तक जा रही है। यार इसका स्पीडोमीटर बंद है, शायद आपको इतना आइडिया नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक रफली आइडिया बता दूंगा कि फिलहाल आप लोग ऐसे पकड़ के चलो 20-30 के आसपास की स्पीड है। और अभी फ्लैट एरिया आने दो, फ्लैट रोड आएगा तो अभी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी जो रिफाइनमेंट है वो कितनी अच्छी फील हो रही है। मैं थ्रोटल नहीं दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरा हाथ आप लोगों के सामने है, और 5th गियर पे ही ये मोटरसाइकिल, गाड़ी अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अभी मैंने ब्रेक प्रेस किया, दैट्स वाई ये थोड़ा सा नॉकिंग हुआ। यस गाइस, मेरे हिसाब से जो रिफाइनमेंट है बहुत ही बढ़िया है। 5th गियर तक अभी तक आप लोगों ने देखा होगा मैंने थ्रोटल वगैरह नहीं दिया था, ब्रेक प्रेस कर दिया था, दैट्स वाई वो नॉकिंग वगैरह होने लगी, नहीं तो मुझे लगता है शायद वो भी नहीं होती अगर एक स्पेस अच्छा मिल जाता था। तो अब आप लोग देखो आगे हो ट्रैफिक है, मैं शांत हो जाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि सिटी में ये बाइक चलाने के लायक है या फिर नहीं। टी 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 टी
तो देखा गाइस, थोड़ा आइडिया आपको पता चल गया होगा कि ये बाइक आप लोगों के लिए सिटी के लिए बनी है या फिर नहीं। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो गाइस, अगर ऐसी बाइक सिटी के लिए नहीं बनी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई और बाइक बनी होगी। तो डेफिनेटली इस बाइक को आप लोग सिटी के लिए प्लस हाईवे के लिए ले सकते हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। डेली का आपको मैंने बता दिया 80 से 100 किलोमीटर की आपकी राइड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस मोटरसाइकिल के साथ। बड़े इजी तरीके से आप लोग इसके राइड कर सकते हो, और जो थकावट वगैरह है वो भी मुझे लगता है बहुत ही कम होगी, क्योंकि जो इसके सस्पेंशन है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाकी गाइस, होप सो आपको ये जो राइड रिव्यू है ये पसंद आया होगा। और इस तरह की वीडियोस अगर आप लोगों को और देखनी है, कौन सी बाइक की राइड रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर आप लोग हमें और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम लोग ऐसी ही और आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए जल्दी जल्दी। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे पेज को यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार फटाफट हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, फिर उसके बाद बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो फटाफट मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर करा दो यार।